इंटरनेशनल डायलॉग होना चाहिए एंड आई नो उसके रिमार्क तो सर बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए। श्री सकी साहब कह रहे थे कि 35-70 में दो तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा सर कि एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का इशू जिसको हम हमेशा से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बाहर करती है वही आइडेंटिफाई इससे ट्राई करनी है। सबसे पहले कश्मीरी को इंक्लूड करना पड़ेगा और कश्मीरी में कौन कौन आते हैं इस ये एक बात के बारे में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर पंडित है मुस्लिम है लद्दाख के लोग हैं सारे लोग देख लीजिए। उसके अलावा मैं आपसे बात जरूर बता सकती हूँ जो मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए कश्मीर का नेचर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और क्या प्रॉब्लम जैसे मैं मेरा ये कहना सर कि पलेरिया इट्स अ प्रॉब्लम इन कश्मीर सर आपको बोल देता हूँ पलेरिया इट्स अ प्रॉब्लम इन कश्मीर और पाकिस्तान इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर सर। अनफॉर्चुनेटली जब तक दो बड़े मुल्क प्रॉब्लम में रोचक में आप इतफाक नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज तक जितने डायलॉग हुए वो सक्सेसफुल हुए फेल हुए वो आगरा में हुए इस्लामाबाद में हुए वो कराची में हुए लाहौर में हुए प्रॉब्लम जहां किया वहां क्यों नहीं हुए वाई नॉट मुजफ्फराबाद और वाई नॉट श्रीनगर डायलॉग यहां होना चाहिए। सबसे उसके अलावा सर जो मैं मनीष शंकर बताना चाहूंगा एक बात जो इम्पोर्टेंट मुझे कहना है वो ये सब कि एक ट्रस्ट को भी करना बहुत जरूरी है। हमेशा से ऐसा हुआ कि आपके आपने आपसे जब दो तरीके के रीजन एक्सपीरियंस है यहाँ एक आजादी कहता है दूसरा विद इंडिया विथ ऑफ स्पेशल स्टेटस से आजादी हमें बहुत छोड़ दीजिए जो स्पेशल स्टेटस मांगते हैं आपसे सर उनके साथ भी तो लगभग सरकार ने मरकज ने दिल्ली ने क्या किया वहां भी देखना होगा उन्होंने इकॉनमी मांगा आपने पार्टी रख दिया उसके बाद आपने उनका सब्सिडी क्या कर दिया आपने सदगुरु वालों को लगाए सदगुरु वालों ने अपने को अपने आपको दिया आपने अचीव होने शुभ वालों को क्या कर दिया तो सर आप बताएंगे आपको मैं क्या चाहते हैं बेसिकली आपके पास है क्या आपके पास शुरू कोई क्या चीज आ गया आपने कहा सर एक बात मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मनमोहन सिंह साहब 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और उसके बाद एक चार मिनट उसके साथ आते बताते आइए मुझे हम बोलते क्या है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कश्मीर के इशू पे आपका आपके पास ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं कि क्या क्या इशू है तुम्हें बहुत दिक्कत हो रहा है सर। और उसके अलावा मुझे 35 सीरीज सब कर रहे थे सर वो बहुत दूर की कहानी है उस पर जिसका से राम मंदिर आज तक नहीं बना 370 और 35 में भी ऐसी बातें हो रही है जो पोलिटिकल गेमिंग के लड़ा ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं। बाकी एक बात जरूर लास्ट में कहूंगा कि मैं खुद से आता हूं मैं एक बात कहूंगा सर कि जो लाइन खींची है जो डिवीजन हुआ जो रेड टेप है सर जो हमारे यहां से गुजरता है सर हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान बना है डिवाइड कश्मीर हुआ है कश्मीर में सर कश्मीर डिवाइड नहीं हुआ इसको वैली कहते हैं और डिवाइड हुआ तो तीन पंजाब रेंज हुआ है सर तीन पंजाब रेंज में डिवाइड हुआ तो पूंछ हुआ है आप पूंछ के सारी तहसील उस पार है दिल्ली में बात ही नहीं करता है। मैंने कुंडिया साहब से कहा था कि ओपी शाह साहब और मनीष चंद्र के साथ पूंछ के आगे बात नहीं कर सकते सर। अनफॉर्चुनेटली बात है कि हमारे यहाँ तो पूंछ की गवर्नमेंट इसकी जमीन में होती है और आप बात नहीं कर रहे हैं पूंछ की कोई बात कर रहा होगा ये तो मुझे अफसोस है कहना पड़ेगा कि तुमने सर को इशारे कर देते हैं कहीं भी देंगे वरना तो सरकार साहब ने तो कहने से पहले हमारे कॉमन प्रश्न है कि गाड़ी में सब पूछ से आते हैं सर देखो सर कि टाइम को और कुछ लोग बट उन्होंने बात नहीं करा तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल पूछ दिस इज वेरी ये मुझे बड़ी अजीब बात सर। दो बातें आपके बाकी हाँ मैं एक बार और जरूर ये कह रहा हूँ सर जहां हम डेटा के लिए कहते हैं कि पिछले 3 सालों में अगर कुछ चीजें होंगी जिसको हमें देखना जरूरी है अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूँ कि ये हमें पिछले 3 सालों में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है तो लोग क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा सेशन गवर्नमेंट को नेशन से सिनोनिमस करता है आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और आपको नेशन के साथ आपका एडुकेशन एलिमेंट बिकॉज आपको आप बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट को नेशन के साथ लागू खड़ा कर दिया गया ये स्पेस में भी यानी कि आप क्रिटिसाइज सरकार को करते हैं और आप पर एंटी नेशनल होने का एलिगेशन लग जाता है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कोई मैं पीछे नहीं हूं मुझे कहना पड़ेगा कि सर जब हम ये सवाल करते जब हमें इंडिया पाकिस्तान को भी चुनाव खड़ा करना होगा आप बताए सर मुझे तो मेरा मैच फिक्सिंग लगता है यहाँ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की बात करते हैं पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता वो पेपर वो कहते कश्मीर में या पाकिस्तान आप कहते हैं आप तो झुका है कश्मीर की बात करते हैं साथ में कहते हैं कश्मीर में या पाकिस्तान तो आपका तो डबल स्टैंडर्ड है साथ में आप गिलगित बल्तिस्तान को भी प्रॉमिस बनाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को भी प्रॉमिस बनाना चाहते हैं इंडिया वाले नहीं बोलते यहाँ इंडिया वाले यूनियन टेरिटरी का स्वागत करना चाहते हैं पाकिस्तान वाले नहीं बोलते सर बताएं मतलब आपको ये दोनों बेटी के बीच में कश्मीर का स्टैंडर्ड क्या स्टेटस क्या है स्टेटस क्या चल रहा है
तो सर ये सब कुछ बातें और बहुत सारी कमी है। थैंक यू वेरी मच।